नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। और लव जिहाद पर पूरी जानकारी के साथ मैं हूं आपके संग प्रद्युम्न शर्मा। आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि आखिर लव जिहाद कहां से आया है, ये शब्द पहली बार कहां उपयोग किया गया, किस तरीके से किया जाता है, सजा का प्रावधान किया है, क्योंकि यूपी में लव जिहाद पर कानून बना दिया गया था। और आज ये खबर सामने आई है जहां पर अब MP यानी कि मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद को लेकर एक सख्त कानून बना दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने इस बात का साफ तौर पर जिक्र किया है कि अगर कोई लव जिहाद करता है तो 10 साल तक की सजा दी जाएगी, और कोई मौलवी या पंडित अगर किसी के लव जिहाद में मदद करता है तो उस पर भी 5 साल की सजा का प्रावधान है और जुर्माने का प्रावधान भी यहां पर रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लव जिहाद लगातार बढ़ता जा रहा है तो यह कानून उसमें किस तरीके से अपनी भूमिका निभाएगा, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। आज हम पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे विस्तार रूप से। बिल्कुल, ये अहम जानकारी हम आपके लिए लेके आए हैं। लेकिन आपको बता दें कि यूपी की गलियों में लव जिहाद का शोर बहुत जोरों से पकड़ा, बहुत जोरों से इस पूरे लव जिहाद के केस को लेकर जो है वो बातचीत हुई, बहुत बहुत तरीके की बातें की गई, राजनीतिक स्तर पर की गई, पुलिस महकमे में इसकी पूरी जो है वो ढोल बजा। लेकिन उसके बाद एक जरूर कानून बेशक बन गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ प्रद्युम्न, क्या लगता है क्या इस कानून के बनने से कुछ फर्क पड़ा? बिल्कुल, जिस तरीके से भारतीय अब जिक्र कर रहे हैं कि कानून बना दिए जाते हैं लेकिन किस तरीके से उस पर कार्रवाई की जाती है, सबसे बड़ा सवाल ये होता है। सरकार तो पूरी कोशिश कर रही है। अगर हम यूपी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में कानून ला दिया गया, उसके बाद खास फर्क देखने को नहीं मिला। आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन हत्याएं होती है। आप अभी हाल में फरीदाबाद में हत्या की गई थी, उसके बाद ये कानून जोर पकड़ा लाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार जिक्र भी किया था कि ऐसे कानून होने चाहिए जहां पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर हम एमपी की बात करते हैं तो नरोत्तम मिश्रा ने इस बात का जिक्र बार-बार यहां पर किया है कि अगर अब इस तरीके की कोई घटना सामने आती है तो फौरन उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है जो आपका सवाल है कि कोई फर्क पड़ रहा है तो अभी ऐसा कोई खास फर्क देखने को नहीं मिल रहा है। कानून बना दिए जाते हैं लेकिन किस तरीके से उस कानून पर काम करना है आगे, वो चीज देखने को नहीं मिल पाती। कार्रवाई की जाएगी ये तो बाद की बात है, जब हो जाएगा। जरूरत है कि आप पहले ही जागरूक हो जाएं, आप इन सब चीजों को जो है वो अपने पास तक आने ही ना दें। तो बेशक सरकार जो है वो कानून बना दे। अब मध्य प्रदेश की भी हम आज बात करने के लिए इसी वजह से प्रद्युम्न जुड़े हैं अपने दर्शकों के साथ कि मध्य प्रदेश में कानून बनने वाला है, इसकी जो बातें हैं वो चल रही हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि जब यूपी में ये कानून बना उसके बाद भी तमाम केसेस सामने आए। अब तमाम केसेस जब यूपी में सामने आए कानून बनने के बाद भी, तो मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? और सरकार बेशक 10 साल की सजा या 15 साल की सजा या 20 साल की सजा लेकर आए, लेकिन उस लड़की का क्या? अगर हम निकिता, जैसे आपने बोला, अगर हम निकिता की बात करें तो इस सजा का, उस सजा के क्या मायने हैं आगे? वो निकिता लड़की जो अब इस दुनिया में नहीं है, जो जिसने अपनी जान खो दी इस पूरे मसले में, तो ऐसे में उस लड़की, क्या वो लड़की वापस आ जाएगी सजा के बाद? तो ये तमाम चीजें जो लव जिहाद का ये पूरा मुद्दा है, जिसकी वजह से पहले जो है शुरुआती तौर पर आप बहुत खुश होते हैं, प्रेम प्रसंग और सब चीजें रहती हैं, लेकिन उसके बाद ये जो धर्म वाली बात है ये कहां से आती है, क्यों आती है ये बात? बिल्कुल, मैं आप तक और हमारे दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचा दूं कि लव जिहाद 2009 में सबसे पहले हाईलाइट हुआ था। उसके बाद लगातार इसके मामले केरल में बढ़ते गए थे, केरल में बढ़ने के बाद कर्नाटक पहुंचा, कर्नाटक से उत्तर प्रदेश पहुंच गया है, और अब पूरे भारत में यहां पर लव जिहाद के मामले सामने आते हैं। दरअसल विशेष समुदाय के लोग अपना नाम बदलकर फेसबुक इंस्टाग्राम के जरिए लड़कियों से दोस्ती करते हैं, फिर अपने प्रेम के जाल में फंसाते हैं, और उसके बाद जब ये खुलासा होता है कि ये गैर समुदाय के लोग हैं तो ऐसे में शादी का दे दिया जाता है या अलग तरीके से उनको परेशान किया जाता है, धर्म परिवर्तन कराया जाता है। तो सबसे बड़ी बात भारती ये है कि लोगों को और खासकर लड़कियों को जागरूक होना पड़ेगा कि अगर आप किसी भी सोशल साइट पर अगर आप सक्रिय हैं तो ऐसे लोगों से अपना बचाव करें, क्योंकि ऐसे नाम बदलकर दोस्ती की जाती है, उसके बाद फंसाया जाता है। प्रद्युम्न, अगर हम पहले की बात करें, अभी कुछ समय पहले ही एक खबर हमने जो है वो पढ़ी थी, और अक्सर यही बात जो है वो हर बार आती है कि पहले जो है वो नाम कुछ और बताया जाता है, फिर उसके बाद में पता चलता है कि ये कुछ और नाम है, या किसी ड्राइविंग लाइसेंस देखकर या पासपोर्ट देखकर पता चलता है कि नाम कुछ और है। तो मुझे इस बात को देखकर भी हैरानी जरूर होती है कि इतने लंबे समय से आप साथ हैं और फिर भी आपको जो है वो नाम नहीं पता सामने वाले इंसान का। और नाम एक ऐसी चीज होती है जो बहुत बेसिक होती है, वो आपको जरूर पता होगी, पहली मुलाकात में आप जो है वो नाम पूछते हैं और तमाम चीजें, तो 2-2.5 साल तक या 3 साल तक भी आपको नाम नहीं पता होता। ऐसी चीजें जो है वो हैरान करती है कि आप इतने भी जागरूक नहीं है कि आप जिस इंसान के साथ हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उस इंसान का आपको सही नाम तक नहीं पता। लेकिन भारती, इसमें एक चीज विशेष उस पर नजर डालनी चाहिए
हैं कि जिस तरीके से धर्म परिवर्तन किया जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी पाए जाते हैं जो प्रॉपर्टी के लालच में, पैसे के लालच में जानबूझ के धर्म परिवर्तन कराते हैं, या फिर लड़कियों को फंसाया जाता है। जो अमीर घर से लड़की होती है उसको जानबूझ के फंसाया जाता है, क्योंकि अगर उसका धर्म परिवर्तन हो जाएगा, शादी हो जाएगी, तो उसकी संपत्ति हम लोग ले लेंगे। ऐसे लोगों पर भी एमपी सरकार, यूपी सरकार सख्त कार्रवाई करने जा रही है। 10 साल की सजा का प्रावधान यहां पर रख दिया गया है। अगर आप लव जिहाद को सपोर्ट करते हैं तो आपके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा ने इस बात का जिक्र कर दिया है कि अगर ऐसी कोई शिकायत यहां पर आती है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा बिल्कुल भी। बिल्कुल। और इसी में ऐड में जरूर करना चाहूंगी कि साक्षी महाराज, उनका खुद ये कहना है जो आपने प्रॉपर्टी वाली बात कही, कि उन्होंने ये बात बोली थी कि उनके पास एक ऐसी लिस्ट है जिसमें कि तमाम धर्मों की लड़कियों के साथ अगर आप शादी करते हैं, यानी कि अगर मुस्लिम समुदाय का एक लड़का अगर किसी पंडित लड़की से शादी करता है तो उसको कितने पैसे मिलेंगे, अगर वो किसी राजपूत से शादी करता है तो उसे कितने पैसे मिलेंगे, या वो अगर किसी SC ST कैटेगरी से कोई अगर लड़की आती है तो अगर वो उससे शादी करता है तो उसे कितने पैसे मिलेंगे। तो ये अगर जैसा उन्होंने बताया, अगर उस तरीके की कोई लिस्ट है, अगर उस तरीके की लिस्ट का जब जिक्र होता है तो ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान है किसी भी एक बहुत ही छोटी, मतलब छोटी जगह से उठने वाले लड़के जो कि बहुत आसानी से पैसा कमाना चाहते हैं, जिनका मोटिव कहीं पर भी मेहनत करके पैसा नहीं कमाना है, वो बहुत आसान है कि आप एक लड़की को फंसाइए और आप शादी कर लीजिए। बिल्कुल भारती, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि पुलिस की जो कार्य प्रणाली होती है वो वाकई शक के घेरे में आ जाती है, क्योंकि अगर आप गाँव देहात के क्षेत्रों में जाती है तो वहां पर लव जिहाद को काफी लोग सपोर्ट भी करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी करवाने के लिए पूरी कोशिश की जाती है। जब जो पीड़ित लोग होते हैं वो जब थाने जाते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं तो पुलिस की तरफ से कोई खासी कार्रवाई देखने को नहीं मिलती है, या पैसा लेके मामला दबा दिया जाता है। सरकार काम कर रही है लेकिन पुलिस की लापरवाही के चलते भी कई ऐसे मामले हैं जो दबा दिए जाते हैं। शहरी क्षेत्र में अगर आप जाते हैं तो मामले जल्दी उजागर हो जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो लगातार ऐसे कई मामले दर्ज किए गए हैं गांव देहात में, जो 1-2 महीना प्रोसेस में रहे, उसके बाद वो कहां गए उसका कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। तो कानून बनाना, उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है, कानून बनाने से काम नहीं चलेगा। कानून आप बना दीजिए लेकिन उसके बाद का जो काम है, किस तरीके से वो कार्यप्रणाली आपको डिसाइड करनी है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। तो उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है, चाहे MP हो, चाहे UP हो, और आने वाले समय में ऐसे कई राज्य हैं जो लव जिहाद को लेकर सख्त कानून लाने वाले हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा बन चुका है। लगातार मीडिया में इसकी चर्चा की जाती है, लाइव डिबेट्स भी किए जाते हैं, जहां पर आक्रोशित लोग भी अपनी बात रखते हैं और इस बात का खंडन करते हैं कि लव जिहाद नहीं है। लेकिन अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केरल से लेकर यूपी तक का सफर जो तय हुआ है और आने वाले समय में जो और सफर तय होगा, ना जाने कितने ऐसे मामले सामने आते हैं जो पुलिस की नजर से दूर रहते हैं, या फिर जो नजरों में भी आ जाते हैं तो उस पर कोई खासी कार्रवाई देखने को नहीं मिलती है, जिसके चलते कई ऐसी लड़कियां हैं जो अपनी जान गंवा देती हैं या फिर लगातार प्रताड़ित होती रहती हैं। क्योंकि विशेष समुदाय के लोग, जिस तरीके से कुछ लोग, हम हर किसी को टारगेट नहीं कर रहे, कुछ ऐसी मानसिकता के जो लोग होते हैं जो प्रॉपर्टी के लालच में या शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के चलते कई ऐसे मामले आते हैं जहां पर धर्म परिवर्तन पर जोर दिया जाता है और परिवर्तन कराने के बाद गोली भी मार दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। तो उससे बचाव के लिए यूपी सरकार ने पहल की है, अब MP सरकार पहल कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पहल करने से लव जिहाद पर रोक लग पाएगी, आपको क्या लगता है भारती? जिस तरीके से यूपी में केसेस आए प्रद्युम्न, तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि केसेस पे अंकुश तो नहीं लग पाया है। तो अब ये बहुत अहम हो जाता है कि क्या मध्य प्रदेश उस कानून, जो वो कानून लेके आने वाले, क्या उसमें कुछ ऐसी चीज होगी, कुछ अलग होगा यूपी से, जिससे कि शायद अंकुश लगाने में संभव हो। लेकिन फिर भी मैं अपने दर्शकों को, हम जरूर बता देते हैं, विस्तारवादी तरीके से हम आपको जरूर बता देंगे कि क्या कुछ उस कानून में रहेगा जो कानून यूपी में भी बना है। तो आपको बता देते हैं कि अगर ऐसा कोई केस सामने आता है तो जो आरोपी है उसको अगर सिद्ध हो जाता है आरोप, तो उसको 10 साल की सजा का प्रावधान है, साथ ही करीब 15,000 के आसपास का जो है वो जुर्माना अभी तक जो है सामने आया है कि 15,000 का जुर्माना लगेगा। अगर वो लड़की जो है वो अगर किसी शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती है तो ऐसे में 25,000 का जुर्माना है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, और साथ ही अगर जो मौलवी है या कोई धर्मगुरु है या कोई काजी है जो शादी करवाता है या इस पूरी शादी को जो है वो अंजाम दिलवाता है, तो ऐसे में उस काजी को, उस मौलवी को या उस धर्मगुरु को अपनी उसको भी 5 साल की सजा का प्रावधान इस पूरे केस में जो है वो लिया गया है, इस पूरे कानून में जो है इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर वो ऐसी कोई शादी करवाता है तो ऐसे में उसको करीब
पांच साल की सजा जो है वो झेलने को। बिल्कुल भारती, इसमें जो आप जानकारी दे रही है इसमें कुछ चीज में जरूर ऐड करूंगा कि 19 प्रावधान इसमें लाए गए हैं इस कानून में जो एमपी सरकार ला रही है। एक बार फिर से अपने दर्शकों को पूरी जानकारी दे देते हैं कि आखिर यूपी में जो कानून बना उसमें क्या कुछ चीजें थी। अगर जो आरोपी है अगर आरोप सिद्ध हो जाता है तो ऐसे में आपको 10 साल की सजा का भुगतान करना पड़ेगा, साथ ही नकद राशि भी आपको जो है वो सजा के साथ साथ आपको कुछ नकद राशि भी जो है वो देनी पड़ेगी। साथ ही आपको बता दें कि आपको अगर एमपी में जो कानून आता है उसमें कितने साल की सजा का प्रावधान होगा ये देखने वाली बात होगी। सिद्धार्थनाथ सिंह ने जब इस बारे में डिस्कशन किया था, बोला था, बातचीत रखी थी अपने सामने, तब उन्होंने ये बात कही थी कि अगर ऐसा कुछ आरोप सिद्ध होता है तो ऐसे में अगर किसी शेड्यूल कास्ट लड़की के साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो ऐसे में करीब 2 से 3 साल की सजा आपको जो है वो झेलनी पड़ेगी और साथ ही 25,000 का जुर्माना मात्र जो है वो आपको देना पड़ेगा। अगर ऐसे में किसी और लड़की के साथ ये ऐसा कुछ केस होता है, यूपी की मैं खासतौर पर बात कर रही हूँ, तो ऐसे में 1.5 से 2 साल की सजा आपको झेलनी पड़ेगी और साथ ही 15,000 का जुर्माना जो है वो आपको देना पड़ेगा। तो तमाम केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं, कानून बने हुए हैं, मंत्री अपनी बात रखते हैं, तमाम लोग अपनी बातें जरूर रखते हैं और केसेस फिर भी सामने आ रहे हैं। अब मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार क्या कुछ कानून जो है वो लेके आती है, क्या कुछ इसमें इंप्लीमेंट किया जाएगा और वहां की पुलिस कितनी सक्रिय होती है और उससे भी पहले पुलिस से भी पहले कि लोग कितने सक्रिय हैं, लड़कियां कितनी सक्रिय हैं, वो कैसे फंस जाती हैं ऐसे। क्योंकि भारती ये बात आप बिल्कुल सही जिक्र कर रही हैं कि झांसे में फंसाने वाले ऐसे तमाम लोग हैं और आसानी से लड़कियां फंस जाती हैं, तो अगर आप कोई भी सोशल साइट का इस्तेमाल करती हैं तो उस पर ये जरूर एक बार ध्यान दे लें कि जिससे भी आप बातचीत कर रही हैं तो आखिर वो है कौन, कहां से है, सही नाम बताया या नहीं, सही पहचान बताई है या नहीं, या फिर आपको झांसे में फंसाया तो नहीं जा रहा है। क्योंकि कई तरीके के स्कैम सामने आते हैं जहां पर फ्रॉड किए जाते हैं और खासकर लव जिहाद को लेकर ये लोग इतने ट्रेंड होते हैं कि इतनी अच्छी तरीके से आपको फंसाते हैं कि आपको भनक तक नहीं लगती है, लेकिन 2-3 साल बीतने के बाद जब आप उनके झांसे में आ चुकी होती हैं तो जब इसका खुलासा होता है, लेकिन जब आप उस दलदल में फंस चुकी होती हैं ऐसे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो इस दलदल में ऐसा फंसा देते हैं आपको कि वहां से निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर इस तरीके से भारतीय आप कानून का जिक्र कर रही थी, कानून बनाया गया, एमपी सरकार ने 19 प्रावधान भी इसमें शामिल किए गए हैं, सजा का प्रावधान है, जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन किस तरीके से पुलिस काम करेगी वो अभी कार्यप्रणाली डिसाइड की जा रही है शिवराज सिंह चौहान की तरफ से। बिल्कुल, लेकिन इसमें एक बात यह भी ध्यान देने की होती है कि कानून बना दिए जाते हैं और उस पर इंप्लीमेंट भी होता है, लेकिन उसके बाद भी आंकड़े बढ़ क्यों रहे हैं, आखिर कमी कहां है? लोगों में खौफ नहीं है। एक बहुत आसान सी बात है, बहुत ही अगर हम इस पूरे केस को एक साइड रखें, अगर हम कोविड की भी बात करें तो जिस तरीके से कोविड को लेकर भी लोगों में खौफ नहीं है, वो तमाम तरीके की चीजें जो है वो करते हैं और तमाम जो गाइडलाइंस है उनका उल्लंघन करते हैं, तो ऐसे में साफ तौर पर हर तरीके से ये चीज देखी जाती है कि भारत में जब कोई भी केस होता है, कोई भी चीज होती है, तो लोगों में खौफ खत्म हो जाता है। एक लंबे वक्त तक जब चीजें चलती हैं उसके बाद खौफ खत्म हो जाता है। यही बात यूपी में भी रही, जब यूपी में सरकार की तरफ से कानून लाया गया उसके बाद भी जो है वो पूरा अभी भी केसेस सामने आ रहे हैं, उससे पहले वो इतने लंबे वक्त तक चला कि लोगों में खौफ ही खत्म हो गया है। और यही जो है यही बात सामने जो है वो हम भी रख रहे हैं और यही चीज जो है वो सामने आती है कि किस तरीके से लोगों में खौफ खत्म हो जाता है। पुलिस का खौफ नहीं है, सरकार का खौफ नहीं है, और तो और इंसानियत सबसे बड़ी बात है, इंसानियत की आपके अंदर इंसानियत भी खत्म हो गई। बिल्कुल, जिस तरीके से इंसानियत तो खत्म होती जा रही, क्योंकि लगातार ये आंकड़े हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में अगर इस पर सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है तो न जाने कितने ऐसे लोग हैं, कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो इसके शिकार बन चुकी हैं और आने वाले समय में बनती भी रहेंगी। लेकिन सरकार पूरा प्रयास कर रही है, पुलिस भी प्रयास कर रही है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय अब जिक्र कर रही है कि जनता को जागरूक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जो लव जिहाद का नाम है इतना हाईलाइटेड मुद्दा है, ऐसे में सब लोग सोशल साइट इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में सब किसी को जानकारी है कि लव जिहाद में किस तरीके से फंसाया जाता है। सरकार पूरा काम कर चुकी है लेकिन अब आपको सक्रिय होने की जरूरत सबसे ज्यादा है। बिल्कुल, जब ये पूरा सिलसिला जब ये शुरू हुआ था लव जिहाद का 2009 में, तब इसे रोमियो जिहाद का जो है नाम दिया गया था। रोमियो जिहाद से कब लव जिहाद बना और अब हर शहर में जो है ये अपनी किस तरीके से अपनी जड़ें पसार चुका है और किस तरीके से लोग जो है वो इसकी चपेट में आ जाते हैं, ये बहुत अहम हो जाता है और बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सक्रिय रहें, आप अपनी नजरें खुली रखें, आप अपने जो जहन में आपकी जो चीजें आती हैं उनको कोंदने दें, आप वो सवाल उठने दें। अगर वो आप सवाल नहीं उठने देंगे, आप उन्हें दबा देंगे तो आप जरूर फंस जाएंगे।
पूरी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन आपको एक बात बताना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर आपका कोई जानकार इस झांसे में फंस चुका है या किसी को ऐसा जानते हैं आप जो ऐसे काम करता है, तो जो झांसे में लड़कियां फंस चुकी हैं वो डरे नहीं, पुलिस के पास सबसे पहले जाएं, क्योंकि अब सरकार खास निगरानी इस पर रख रही है। आप FIR दर्ज कराएं, उसके बाद पुलिस इन लोगों से निपटेगी और इनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इसमें सरकार दखलअंदाजी कर चुकी है। चाहे MP की बात करें, UP की बात करें, यहां पर कानून ला दिया गया है। आने वाले समय में ऐसे और राज्य होंगे जहां पर कानून आएगा और ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे किया जाएगा। बिल्कुल, और अभी हाल ही में ये बात भी सामने आई है कि हाल ही में हरियाणा सरकार भी जो है वो इस कानून को लाने की सोच रही है और बहुत जल्द ऐसा होगा कि मध्य प्रदेश के बाद हरियाणा में भी ये कानून आएगा और बहुत जल्द न सिर्फ इन तीन राज्यों में बल्कि और देश के और तमाम राज्यों में भी ऐसे कानून आएंगे जिसके चलते तमाम लड़कियां जो है वो बच पाएंगी। उम्मीद ऐसी की जा रही है कि लड़कियां खुद भी जागरूक होंगी, कानून व्यवस्था भी उतनी ही मजबूत रहेगी और सरकार की तरफ से जो कानून लाए जा रहे हैं उन सभी को जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा ताकि आप जो है वो इस पूरे दलदल से बच सके। तो बहुत अहम हो जाता है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने आप अपनी नजरें खुली रखें और इन सब झांसों से बचें। फिलहाल इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।